नमस्कार, आप देख रहे हैं आईबी इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ इस वक्त अरविंद कुमार सिंह। खबर संभल से है जहां रिश्वत लेते लोग आपने देखे होंगे, लेकिन कैमरे में एक ऐसा सरकारी नौकर लुटेरा कैद हुआ है जिसने शोर शराबा होने के बाद ली हुई रिश्वत वापस कर दी। चकवद्दी महकमे में सीओ के पेशकार का रिश्वत वापस करने का कारनामा कैमरे में कैद हुआ है। बात यही खत्म नहीं हुई। वसंतपुर गांव के पीड़ित ने उससे 1,10,000 की रिश्वत लेकर जमीन संक्रमणीय न कराने का आरोप लगाते हुए सीओ चकबंदी ऑफिस में ही आत्महत्या की चेतावनी दे दी है। आपको बता दें कि मामला बड़े भ्रष्ट आचरण का है, जिसमें जमीन को संक्रमणीय करने और चकबंदी के नाम पर गैर कर कृषि की जमीन पर पत्ते काटने को लाकर अवैध वसूली का है। पूरा मामला बड़े भ्रष्टाचार से जुड़ा गुंडा और तहसील स्थित चकबंदी ऑफिस का है, जहाँ रोज की तरह तमाम लोग आज भी पहुंचे हैं। इस बीच गांव वसंतपुर का मुकेश नामक युवक जमीन संक्रमणीय के नाम पर महकमे के सीओ और पेशकार पर उसकी मार्फत 1,10,000 लेकर भी काम न करने का आरोप लगाया है। कर्मी का साफ कहना था कि तमाम गांव से इस महकमे ने उसके मार्फत रुपए ले लिए, अब न तो काम कर रहे हैं और न रुपए ही वापस कर रहे हैं। रोने पर उतारू ग्रामीण ने अपनी मजबूरी बताई कि पूरा गांव उसके ऊपर चढ़ रहा है, यदि उससे रुपया वापस न मिला तो वह इस ऑफिस में ही आत्महत्या कर लेगा। शोर शराबा होने के बाद सीओ का पेशकार ऑफिस से बाहर आया और इस गांव के ही मुकेश को उसने रिश्वत खोरी में लिए गए पैसे वापस कर दिए। रिश्वत खोरी कर रुपए वापस देने का लुटेरे पेशकार का एक खेल कैमरे में कैद हुआ है, लेकिन पेशकार कैमरे के सामने अपनी सफाई देने की जगह भाग गया। एसडीएम ओमवीर सिंह ने इस मामले की जांच की बात कही है। उधर सीओ विजय शंकर सिंह भी जांच के बाद कार्रवाई की बात कर रहे हैं, परंतु यदि भुक्तभोगियों की माने तो रिश्वतखोरी में सीधे सीओ भी आरोप में। रिश्वत लेकर वापस देने की यह तस्वीर भले कैमरे में कैद हुई है, परंतु जांच के नाम पर बचाने का खेल क्या इस मामले में चलेगा, ये देखने वाली बात होगी। वैसे इन दिनों बेईमानी कर प्रदेश की योगी सरकार को गुमराह करने की इन दिनों संभल में प्रथा चल रही है। करीब 3 महीने पहले भी चकबंदी के एक लेखपाल का रुपये लेते वीडियो वायरल हुआ था। महकमे ने न तो आज तक उसके खिलाफ कार्रवाई की और न ये बात बताई, और उसी के क्लीन चिट देने की लेखपाल खुद को एक्समैन बता अपना जलवा बताता रहा। सर, ये गुन्नौर चकबंदी में आज एक मामला आया है, इसमें चकबंदी सीओ के पेशकार ने 1,200 रुपये ग्रामीण को रिश्वत के वापस दिए हैं। इसके अलावा एक आदमी कह रहा है मेरे 1,10,000 रुपये आए इस ऑफिस पे, ये पैसा नहीं दे रहे हैं, मैं आत्महत्या करूँगा। सर, क्या मामला है, क्या कार्रवाई? अभी मेरी जानकारी में नहीं आया है, आप लोगों ने बताया है, कोई पीड़ित भी मेरे पास नहीं आया है, और क्योंकि मामला चकबंदी का है तो जो विभागीय कार्रवाई होगी चकबंदी की से होगी, लेकिन फिर भी अगर कोई मुझे प्रार्थना पत्र देता है तो फिर उसके कार्रवाई की जाए। सर, वो पैसा देते हुए कैमरे में कैद हुए हैं। हाँ, तो वो देखे जाएंगे, सभी साक्ष्य देखे जाएंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। भूषण का कहाँ रहते हो? मालपुर टांडा। क्या मामला था जी, आपको पैसे वापस किए थे चकबंदी विभाग का कौन अधिकारी, क्या है मामला? सीओ साहब हैं और पेशकार साहब। किसने पैसे वापस किए, क्या था मामला? आज चार्ज करने गए, 1,200 रुपये वापस करेंगे। किसने? पेशकार ने। तो कब पैसे लिए थे, वापस क्यों किए इन्होंने, काय के पैसे थे ये? ये उसके संक्रमणी के पैसे थे। संक्रमणी होने के? हाँ जी। मतलब रिश्वत है ये? हाँ जी। तो आप कार्रवाई करेंगे इस संबंध में, किसी से कुछ करेंगे, ये बताओ किसका संक्रमणी होना था? जमीन का था जी। तो आप किसी शिकायत करेंगे अधिकारी से? अब किससे शिकायत करेंगे, हमारा तो काम हो जाना चाहिए, मैं ये चाहता हूँ काम हो जाए आपका।